नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क चैनल में। आज है 29 अप्रैल 2020। 29 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 1 साल तक सरकारी भर्तियों पर रोक लगा दी है? तो वो लगाई है हरियाणा सरकार ने। COVID-19 महामारी की वजह से हरियाणा सरकार ने 1 साल तक सरकारी भर्तियों पर रोक लगा दी है। बात हो रही है हरियाणा की, तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के जो CM है वो है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने कोड़े की सजा खत्म करने के बाद अब नाबालिगों को सजाए मौत पर पाबंदी लगा दी है? अभी वहाँ पर क्या हुआ था, कोड़े की जो सजा थी उसको हटा दिया गया था, अब क्या हुआ है कि नाबालिगों को भी सजाए मौत पर पाबंदी लगा दी है। तो वो देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब के बारे में जान लेते हैं। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। यहाँ के जो किंग है वो है सलमान। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में देवनाथ कुंवर का निधन 25 अप्रैल को हो गया, वह किन तीन राज्यों के राज्यपाल रह चुके थे? तो वो थे बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके थे, राज्यपाल रह चुके थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पाकिस्तान की किस महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो वो संन्यास लिया है सना मीर ने। ODI और T20 की कप्तान रह चुकी हैं और हाल ही में उन्होंने इस सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। बात हो रही है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के PM है इमरान खान और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। अगला प्रश्न देखते हैं, COVID-19 की वजह से किस देश में 50 टाइगर रिजर्व को हाई अलर्ट घोषित किया गया है? तो वो घोषित किया है भारत। भारत में 50 टाइगर रिजर्व को हाई अलर्ट घोषित किया गया है। आपको पता होगा हाल ही में USA में जो वहाँ के टाइगर हैं उनको उनमें भी कोरोना के लक्षण पाए गए थे, जिनमें पहली जो बाघ थी वो थी नादिया नाम था उसका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने COVID-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट बनाया है? तो वो बनाया है केरल ने। किसने? केरल ने। अब इस बोट में क्या होगा, ये COVID-19 मरीजों के लिए दवा और फूड का वितरण हर वार्ड में जाकर करेगा। बात हो रही है केरल की, तो केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के CM है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल में दो चीज़ और फेमस हैं, साइलेंट वैली कहाँ पर है तो वो है केरल में, और पेरियार वन्य जीव अभयारण्य ये भी केरल में है। ये दोनों ही अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने विकासशील देशों के लिए $1 ट्रिलियन से अधिक ऋण माफ़ करने की घोषणा की है? तो वो की है UNCTAD। अब इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट।
फिर से बता रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना हुई थी 1964 को। कब हुई थी? 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं मुखिसा कितुई। कौन है? मुखिसा कितुई। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने कोविड फार्मा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? वो लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश। किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद और अमरावती, और यहाँ के सीएम है YS जगमोहन रेड्डी, और जो गवर्नर है विश्वभूषण हरीश हरिचंदन। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों के लिए हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हेल्प मी मोबाइल ऐप, ठीक है, हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने। किसने? हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सबसे ज़्यादा सेना पर व्यय, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, सेना पर खर्च है, क्या है? खर्च, सेना पर खर्च करने वाला कौन सा देश है? तो वो है USA, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका पूरी दुनिया में सेना अपने इस मिलिट्री पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है, और अमेरिका के कमांडर इन चीफ कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है मार्क इस्पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।